बिसमीम आज हम चैप्टर टेन सिंपल हारमोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की है उससे क्वेश्चन नंबर वन सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ टू सेकेंड्स इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून दी है इज इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिड बाई सिक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू ऑन मून है वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू सेकेंड हमें गिवन है और हम लोगों को जी स्मॉल जी की वैल्यू ऑन मून है वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और चूँकि जी ई डिवाइडे बाई सिक्स भी हम लोगों को गिवन है लिहाजा जी ई की वैल्यू निकालनी होगी तो जी एम मल्टीप्लाई बाई सिक्स कर देंगे तो जी एम मल्टीप्लाई बाई सिक्स यानी वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्येयर और हमें गिवन है कि मालूम करें लेंथ ऑफ सेकेंड स्पेंडुलम ऑन अर्थ एल ई कह देते हैं इसको और लेंथ ऑफ सेकेंड स्पेंडुलम ऑन मून एल एम कह देते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो टाइम पीरियड का आपको फार्मूला पता है टू पाई स्क्वेयर रूट एल ओ आर जी हम लोग बारी, बारी बारी इसको अर्थ और मून के लिए यूज़ करते हैं पहले अर्थ के लिए यूज़ करते हैं तो टाइम पीरियड टू पाई स्क्यर रूट एल ई ओ जी ई या स्क्र रूट कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली इस इतना ही आ रहा होता है लिहाजा बस आप लोगों ने समझ लेना है कि ये टोटल यहाँ तक एक्सटेंडेड है अब वैल्यू डालने की बात आएगी लेकिन उससे पहले दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं ताकि स्क्वेयर रूट से जान छुड़ाएँ तो हमारे पास पार आ जाएगा टी स्क्र इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर ई स्क्र रूट कट जाएगा एल ई ओवर जी ई रह जाएगा इसी को उठा के ज़रा इधर ले आते हैं टी स्क्र ईद एकवल टू फोर पाई स्क्वेयेर एल ई ओवर जी ई टी की वैल्यू कितनी है टू हमारे पास तो टू का स्क्वायर कर दिया फोर एज इट इज है पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर उसका स्क्वायर, एल ई मालूम करना है और जी ई की वैल्यू हमारे पास है टेन अब इसको सॉल्व करते हैं टू स्क्वायर हो गया फोर इधर फोर थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर नाइन पॉइंट एट फाइव और ये एल ई ओवर टेन ई एल ई ओवर टेन ये फोर फोर आपस में कट जाएगा और हमारे पास एल ई की वैल्यू आ जाएगी टेन ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय नाइन पॉइंट एट फाइव तो एल ई की वैल्यू आ गई टेन डिवाइडेड बाई नाइन पॉइंट एट फाइव इज ठू वन पॉइंट जीरो टू मीटर तो अर्थ के ऊपर जो हमारी लेंथ होगी पेंडुलम की वो होगी वन पॉइंट ज़ीरो टू मीटर अब यही हम लोगों ने मालूम करना है मून के लिए तो टाइम पीरियड का फार्मूला वही लगाएंगे सिर्फ ये फ़र्क आ जाएगा एल एम और जी एम आ जाएगा और स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स हम लोग करेंगे ताकि स्कोयर रूट से छुटकारा पा लें वही टी स्क्र फोर पाई स्क्ोयर और एल एम ओ और जी एम आ जाएगा और वैल्यूज डालेंगे टी की वैल्यू टू है तो ये टू स्क्र हो गया फोर एज इट एज़ पाई थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वेयर एल एम मालूम करना है और जी एम की वैल्यू हमें गिवन है वन पॉइंट सिक्स और आगे जाते हैं तो फोर टू का स्क्ोयर आ गया फोर ये भी फोर नाइन पॉइंट एट फाइव आ गया थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्येर एल एम डिवाइड बाई वन पॉइंट सिक्स तो एल एम की वैल्यू निकालनी है तो वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट फाइव आ जाएगा और एल एम की वैल्यू जीरो पॉइंट वन सेवन तो लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन मून होगी पॉइंट वन सेवन मीटर तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर टू अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ फाइव सेकेंड्स व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून टू हैव द सेम टाइम पीरियड यानी कि सेम टाइम पीरियड हमारा मून के ऊपर भी है फाइव सेकेंड्स के बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी की वैल्यू ऑन मून है वन बाई सिक्स स्मॉल जी ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर कितनी होती है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और मून के ऊपर उसकी वन सिक्स जो कि वन पॉइंट सिक्स होती है गिवन अभी हमारे पास क्या, क्या क्या हम वो लिख लेते हैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइव सेकेंड्स तो कह रहे हैं अगर मून के ऊपर जो है सेम टाइम पीरियड हो यानी टाइम पीरियड ऑन मून भी फाइव सेकेंड हो गया तो लेंथ कितनी होगी पेंडुलम की ऑन मून और क्या हमारे पास गिवन है ग्रेविटेशनल एक्सेशन ऑन अर्थ टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये हम सबको रट्टा लगी होनी चाहिए पहले से हर स्वार, हर सवाल में कभी कभार नहीं भी देते ये लोग और एक्सेलेशन

पाई का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ तो एल एम ओवर जी एम बच जाएगा अब इनमें वैल्यू डाल देंगे टी एम की वैल्यू फाइव थी तो फाइव का स्क्वायर ये फोर पाई का स्क्वायर थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर हो गया एल एम की वैल्यू हमने मालूम करनी है यहाँ से और जी एम की वैल्यू हमें गिवन है वन पॉइंट सिक्स तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन पॉइंट एट फाइव और एल एम डिवाइड वन पॉइंट सिक्स अब एल एम की वैल्यू निकालनी होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई फोर पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट एट फाइव इसको सोल्व करेंगे कैकुलेटर से तो वन पॉइंट जीरो टू मीटर लेंथ ऑन मून आ जाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री अ पेंडुलम ऑफ टू मीटर इज वाइब्रेटिंग एट द प्लैट इट इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम फाइव सेकेंड वट इज वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्नेट कि एक प्लानट है उसके ऊपर एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है टू मीटर टाइम पीरियड है फाइव सेकेंड तो यहाँ पे जी की क्या वैल्यू होगी तो बड़ा ही आसान है इसके अंदर सारी चीज़ें हमें गिवन हैं लेंथ गिवन है टाइम पीरियड गिवन है और मालूम करना है जी तो सोल्यूशन की तरफ जाए तो हमारे पास जो फार्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट एल ओवर जी इसमें देखें सारी चीज़ें मौजूद हैं टाइम पीरियड एल सिर्फ जी भी निकालना है तो पहला वही करेंगे दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे ताकि स्क्वायर रूट से जान छुड़ाएं टी स्क्र फोर पाइव स्क्र एल ओर जी वैल्यूज पुट इन करेंगे टी की वैल्यू फाइव यहाँ पे फोर एट है फाइव की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर एल की वैल्यू टू अब इसको ओपन करेंगे फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर नाइन पॉइंट एट फाइव टू डिवाइड बाई जी अब अगर जी निकालना है तो हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं जी उधर ले गए और यहाँ पे फोर मल्टीप्लाई बाई नाइन पॉइंट एट फाइव मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइडेड बाय वो 25 ट्वेंटी फाइव नीचे आ गया इसको सॉल्व किया तो जी की वैल्यू आ गई थ्री पॉइंट वन सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर यानी मून से ज्यादा है और अर्थ से कम है क्वेश्चन नंबर फोर वट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ़ मास अटैच टू स्प्रिंग इज फाइव हंड्रेड ग्राम एंड इट्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर ये होता है स्प्रिंग मास uh, की अरेंजमेंट इसमें हमें मास गिवन है फाइव हंड्रेड ग्राम का एनी पॉइंट फाइव के जी इसको हम लोग कर लेंगे और के वैल्यू है ट्वेंटी न्यूटन पर मीटर हमें इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, और टाइम पीरियड निकालना हो तो फार्मूला होता है टू पाई स्क्वेयर रूट एम ओवर के अभी गिवन में आते हैं गिवन हम लोगों ने क्या क्या लिखने हैं मास 500 ग्राम यानी 0.5 फाइव और के की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर टाइम पीरियड टी मालूम करना है तो सोल्यूशन में आएंगे और सोलूशन में हम सीधा सीधा ये वाला फार्मूला लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट एम ओ आर के नेक्स्ट हम लोग जो है इसके अंदर वैल्यूज पुट इन कर देते हैं टू पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर और स्क्वेयर रूट के अंदर मास की पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे टू मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट वन फोर हो जाता है सिक्स पॉइंट टू एट और पॉइंट फाइव डिवाइड बाई ट्वेंटी होता है पॉइंट जीरो टू फाइव अब फर्दर सॉल्व करेंगे सिक्स पॉइंट टू एट मल्टीप्लाई रूट पॉइंट जीरो टू फाइव होता है पॉइंट वन सिक्स इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा वन पॉइंट जीरो जीरो फोर एट सेकेंड जो कि इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली वन सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फाइव इफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन मीटर वट इज वेव लेंथ ऑफ देवस वट विल बी द फ्रीकुवेंसी ऑफ द वेव स्पीड ऑफ वेव इज ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड यह आप देख सकते हैं कि टेन वेवस हैं जो कि वन मीटर की स्ट्रिंग के अंदर आ रही हैं तो इसके बारे में गिवन हमारे पास क्या क्या है नंबर ऑफ वेवस क्या है एन इज इक्ल टू टेन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ या डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं डी इज इक्ल टू वन मीटर इसको डिस्टेंस इसलिए कह रहे हैं ताकि आगे फार्मूले में हम तो लोग डिस्टेंस एस यूज़ कर सके स्पीड ऑफ वेव हमें बता दी गई है ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड वेव लेंथ क्या है लेमडा वो मालूम करनी है और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम लोग सबसे पहले अब ये देख लें इसको सिंपल लेमैन अंदाज में टेन वेवस है टोटल लेंथ ऑफ वन मीटर टेन वेव गुजरनी है वन मीटर में तो वन वेव कितने में होगी वन डिवाइडेड बाई टेन या पॉइंट वन मीटर और ये जो वन पॉइंट वन मीटर आ गया ये क्या है बेसिकली वेव लेंथ है ये लेमैन लैंग्वेज आपको सिखाया ये वन देखें क्या चीज़ थी डिस्टेंस ये डिस्टेंस था और टेन क्या है नंबर ऑफ वेव्स यानी कि d डिवाइडेड बाय n लेडा का फार्मूला हो गया d डिवाइडेड बाय n टेन वन डिवाइडेड बाय टेन इज इक्वल टू पॉइंट वन मीटर तो पहला हमारा पार्ट आ गया अब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी और उसके लिए हमारे पास वेव इक्वेशन होती है वी इज्वल टू एफ लेमडा यहाँ से हम लोगों ने एफ निकालना है तो एफ़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेमडा वी की वैल्यू है ट्वेल्व और लमडा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट की है पॉइंट वन तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ गई वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हर्ट्स ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर एक रिपल टैंक है उसकी लेंथ जहां से मोटर लगी हुई है उससे आगे 1.6 मीटर है। वेव्स कवर दिस लेंथ इन टू सेकंड्स। यहां से वेव्स से प्रोड्यूस होती है तो यहां तक पहुंचने में टू सेकंड्स का टाइम लगता है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव ट्रफ्स टू कंजेक्टिव ट्रफ्स या टू जो क्रेस्ट होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ होती है तो ये कह रहे हैं वेव लेंथ अगर ट्वेंटी सेंटीमीटर है देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स एन एंड देयर टाइम पीरियड कैपिटल टी तो गिवन हमारे पास क्या क्या है सबसे पहले तो लेंथ या डिस्टेंस डी इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स मीटर और टाइम ऑफ ट्रेवल टी इज इक्वल टू टू सेकेंड्स और वेवलेंथ हमें गिवन है लमडा इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इक्वल टू इसको मीटर में कर लेंगे पॉइंट टू मीटर और मालूम हमने करना है नंबर ऑफ वेव्स एन और टाइम पीरियड कैपिटल टी और सॉल्यूशन uh, की तरफ आते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें अभी हमारे पास स्पीड नहीं है हमें स्पीड नहीं गिवन तो हम लोग स्पीड मालूम करने के लिए एस इज ईक्ल टू वी टी जिसको डी इज ईक्ल टू वी टी भी हम लोग लिख सकते हैं वो फार्मूला यूज़ करते हैं वी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी आ जाएगा डी की वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स और टाइम जो लगाया है टू तो वी की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड अब हम लोगों को ज़रूरत है एफ़ की क्योंकि हम लोगों ने फर्दर नंबर ऑफ़ वेव्स और टाइम पीरियड निकालना है तो F के लिए हम लोग वेव इक्वेशन की मदद से V डिवाइड बाई लेमडा कर लेंगे V की वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकंड यहाँ से है और लेमडा की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 0.2 तो F फ्रीक्वेंसी आ गई फोर हर्ट्स अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ वेव्स की तरफ तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग पिछले सवाल में भी पढ़ चुके थे जितनी इतनी टेन वेव जा रही थी डिवाइडेड बाई टाइम एक, से, एक सेकेंड में तो यहाँ पर देख लें नंबर ऑफ वेव्स कितनी हैं वो निकालना है तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और टाइम भी हमें गिवन है तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे एन इज़ इक्वल टू एफ इंटू टू एफ इंटू टी तो एफ़ हमारे पास क्या है फोर और टाइम हमारे पास क्या है टू तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास आ गई हैं एट वेव्स अब टाइम पीरियड निकालना है तो वो बहुत ही आसान है टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू वन ओवर एफ़ फ्रीकवेंसी हमारे पास गिवन है वन ओवर एफ हम लोग कर लेते हैं तो वन बाई फोर तो ये वैल्यू आ जाती है पॉइंट टू फाइव सेकेंड्स तो ये हमारे आंसर आ गए नंबर ऑफ़ वेव्स एट और टाइम पीरियड पॉइंट टू फाइव सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ वेवलेंस नैनोमीटर इन वैक्यूम रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मालूम करनी है जबकि वेवलेंथ कितनी है 700 हंड्रेड नैनोमीटर वैक्यूम में गिवन क्या है हमारे पास के सबसे पहले रेड लाइट की वेवलेंथ लेंथ लेमडा सेवन हंड्रेड नैनोमीटर सेवन हंड्रेड तो इंटू ट्रांसफार माइनस नाइन मीटर हमें सिर्फ यही गिवन है लेकिन हमें ऑब्वियसली मालूम होती है स्पीड ऑफ लाइट वेव जो कि वैक्यूम में ट्रेवल करती है थ्री इंटू ट्रांसफार तो माइनस थ्री इंटू ट्रांसफार तो एट मीटर पर सेकेंड और मालूम हमने क्या करना है फ्रीक्वेंसी सिंपल वेव इक्वेशन लगनी है सोल्यूशन की तरफ आएँ वेव इक्वेशन लिखे हैं इज इक्वल टू एफ लेमडा यहाँ से हम लोगों ने f को कैलकुलेट करना इक्ल टू वी डिवाइड बाई लेमडा करके f इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाई एट लिख लिया v की वैल्यू यहाँ से और नीचे 700 हंड्रेड इंटू टेन्स वार माइनस नाइन तो f की वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो फोर टू एट इंटू टेन्स व इंटू टेनस वार सेवेंटीन और f इज़ इक्वल टू फर्दर जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो फोर पॉइंट टू एट एंट टू टेन एस हर्ट तो ये हमारा आंसर है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं पसंद आई तब भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसमें क्या खामी है और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू